जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमान संभाली है, तब से ही लोगों की निगाहें उन पर टिकी हैं। कई लीगल फील्ड के लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से काफी उम्मीदें थी कि वे देश और जुडिशरी का नक्शा बदल देंगे। जहां एक और लोग उनके फैसलों से काफी दुखी रहते हैं, तो वहीं कई लोग उनके फैसलों को बहुत पसंद करते हैं। इन सब से परे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो किया है और उसका सम्मान किया है। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जूनियर लॉयर से लेकर सीनियर लॉयर्स को भी फटकारा है, जिससे ये तो दिखता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कितने स्ट्रिक्ट हैं। पर ये बात भी नहीं छुपी है कि वे अच्छा काम करने पर लोगों की तारीफ भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वापस से कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका नाम वापस से सुर्खियों में बना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने हमेशा से लॉयर्स, स्पेशली वुमेन लॉयर्स को बढ़ावा दिया है और एक ऐसे ही केस में उन्होंने एक वुमेन लॉयर को सम्मान दिया है जिसने एब्रॉड में हाई स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप अवेल की है। पर ये मामला इसलिए भी इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वुमेन लॉयर और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी है। सुप्रीम कोर्ट के कुक अजय कुमार समाल की बेटी प्रज्ञा, जो कि 25 साल की लॉ रिसर्चर है, ने एब्रॉड के मास्टर्स इन लॉ LLM में एक नहीं बल्कि दो US यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त की है। दे आर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ये खबर सुनकर सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस खुश हुए और वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रज्ञा को सम्मानित किया और इसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रज्ञा को शॉल दी और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी भी दी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस द्वारा साइंड भी थी। ये देखकर प्रज्ञा की आंखें भर आई और उसने हाथ जोड़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला कि ये एक ऑनर है और प्रिविलेज। यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत दिए PTI को एक इंटरव्यू में कहा भी है कि कैसे लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये रही वो क्लिप जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ काफी अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि आप अपने परिश्रम से आगे जाना चाहते हैं तो रिसोर्स मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में कि किसी बच्चे को जो परिश्रम करता है कि उनको रिसोर्सेज ना मिलें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि ना ही केवल सरकार की जिम्मेदारी है पर हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम किसी को, किसी भी बच्चे को या बच्ची को जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं, उनको उनके सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रज्ञा के साथ प्रज्ञा के पेरेंट्स को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया और लोगों के लिए वापस से एक मिसाल बना दी है। पब्लिक इवेंट्स में इतने नहीं दिखने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस इवेंट में काफी खुश और एक्टिव नजर आए हैं और आए दिन ऐसे ही अपने को जजेस के साथ घुलते मिलते दिखते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस एक्शन से प्रज्ञा काफी खुश दिखी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि वे उनके रोल मॉडल हैं। प्रज्ञा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव हियरिंग के कॉन्सेप्ट ने भी लोगों को ये जरूर विश्वास दिया होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कितने बेहतरीन तरीके से लोगों से सवाल जवाब और अपने जजमेंट्स लिखते हैं। एंड स्टेटेड विद द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट हियरिंग्स एवरीवन कैन विटनेस हिज एक्यूलेंस। He nurtures young legal minds and his words are invaluable. He is my role model. प्रज्ञा ने इस बात पर भी जोर दिया कि लॉ की तरफ उनका ध्यान उनके पापा की जॉब की वजह से ही लगा था, इसलिए क्योंकि वे हर दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रमाइसेस में रहती थी जिससे उन्हें लॉयर बनने की प्रेरणा मिली। दिए एक इंटरव्यू में प्रज्ञा ने कहा, If you have the zeal and passion to pursue law as a career in India, then you will find many people around willing to help. Even if you are first generation lawyer, you need to have that positive approach. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद हमारे देश में 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे। अपने अभी तक के करियर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी एस्थेटिक फैसले दिए हैं जिसमें लॉ को ऊपर रखते हुए उन्होंने बस उसका साथ दिया है और ये नहीं देखा कि उनके सामने रूलिंग पार्टी रहती है या ऑपोजिशन। इस साल के एस्थेटिक फैसलों में अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सबसे अहम है जिसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है। हैरानी की बात तो ये है कि ये केस अब तक कितनी बार ही सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था पर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लगा कि ये मामला कितना सीरियस है, तब जाकर उन्होंने इसे लिस्ट किया और इसकी सुनवाई की। इस एस्थेटिक फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक दूसरा एस्थेटिक ऑर्डर दिया जब उन्होंने SBI के टाइम एक्सटेंशन प्ली को साफ इनकार कर दिया और उन्हें 12 मार्च तक ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करने को बोला। SBI भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में चुप हो गई और चुपचाप से ये डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया। इस फैसले के अलावा इस साल का एक और इंटरेस्टिंग फैसला चंडीगढ़ मेयर पोल इलेक्शन से जुड़ा था जिसमें कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिली थी और इस गलत को सही करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लोगों का दिल जीत लिया था। जितनी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी होती है वहीं उन्हें बैकलैश भी सहना पड़ता है और ये मेन बैकलैश उन्हें कोलिजियम सिस्टम के रिस्पेक्ट में सुनने को मिलता है। जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं
वहीं लीगल फील्ड के कई लोग उन्हें फटकारते हुए भी दिखे हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे शामिल है और भी कई फॉर्मर जजेस जैसे कि मदन बी लोकुर, आरएफ नरीमन। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर रहते हुए और कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।